हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हमारे पास कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनको रिएक्शन की जो फॉर्मेट है वो हम बताएंगे इसी वीडियो में, और कितने प्रकार की होती हैं ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आप बनी रही वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हमारे पास होती हैं 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शन। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पाँचवीं होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो हम इन रिएक्शंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हमारे दो सब्सटेंस मिलकर हमारा एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हमने H2+O2, इसको आपस में रिएक्ट कराया और हमारा बनता है H2O। तो ये हमारी जो टू एलिमेंट्स हैं या टू मॉलिक्यूल हैं, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन बनाकर या कर ये हमारा H2O फॉर्म करते हैं, यानी कि वाटर फॉर्म करते हैं। ये हमारा जो लिक्विड में पाया जाएगा और बाकी की चीज़ें दोनों गैसों में पाया जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक कोई एलिमेंट या कोई सब्सटेंस हीट करने पर या कोल्ड करने पर उसकी अलग तरीके के सब्सटेंस फॉर्म हो, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे कि हमने एक लिया CaCO3, ये हमारा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, हम इसको हीट करेंगे। इसका सिंबल हम ये भी बोल सकते हैं, इसे हम हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद हमें इसमें फॉर्म होगा CaO और CO2, जो कि गैस फॉर्म में होगा, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि कोई एक एलिमेंट है, इसको हमने हीट करके टू सब्सटेंस में बदल दिया, जैसे कि CaO और CO2 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की रिएक्शन, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट नाम से जानते हैं। और इसमें जो रिएक्शंस होती है वो एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करे और एक नई मेटल निकल के आए, या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो नए प्रोडक्ट फॉर्म हो। तो हम इसको एग्जांपल लेके एक समझाते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल लेंगे CuSO4, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। इसकी रिएक्शन हम ZN के साथ कराएंगे, और ZN के साथ कराने के बाद इसमें बनेगा ZnSO4+Cu, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। अब हम देखते हैं चौथे नंबर की रिएक्शन, जिसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शंस होंगी उसमें दो सब्सटेंस लिए जाएंगे, दो सब्सटेंस के जो मेटल होंगे, अल्कली मेटल वगैरह जो भी हों, वो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। इसमें दो रिएक्शंस और दो प्रोडक्ट नए तरीके के बनेंगे, इसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल लेके हम समझाते हैं, AgNO3+NaCl, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा AgCl+NaNO3। ये हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म होंगे दो तरीके के, एक ये हो गया एक ये होगा। अब हम बात करते हैं पाँचवें नंबर की रिएक्शन के बारे में, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। इसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन को हम समझ लेते हैं। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो किसी भी रिएक्शन में, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अगर किसी भी रिएक्शन में ऐड हो रहे हों तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हों किसी भी रिएक्शन में तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को किसी रिएक्शन में से हटाया जा रहा हो तो उसमें रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो इसमें हम एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। इसमें CuO+H2, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमारा इसमें फॉर्म होगा CU+H2O।
इसमें जो है इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और जो हमारा इसमें से रिडक्शन ऑफ O2, तो ये हमारा एक रिडक्शन होगा। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को समझ सकते हैं। धन्यवाद।